Are you happy? Yes. सो वेलकम टू माई चैनल बी वाई के द केड. क्या हो गया इसको, ये पॉज हो गया. स्टैच्यू एक्शन. सो गाइज, आपने देखा ये बी वाई के की नई साइकिल है जो मैंने पेंट की है. इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा. अभी क्या हुआ पुरानी साइकिल को, पुरानी साइकिल जो है वो अप्रोक्सीमेट 3 हफ्ते पहले हमारे घर के बाहर से चोरी हो गई, जिसको लेके बुरहानुद्दीन काफ़ी अपसेट था. सो मैंने एक सेकेंड हैंड साइकिल ली, उसे पूरा रीमॉडिफाई किया, उसे सेम लुक एंड फील उसके पहले वाली साइकिल के जैसी दी, ताकि वो अपनी पुरानी साइकिल को मिस ना करे. यस, पुरानी साइकिल जो थी वो 16 इंचेस थी, ये 20 इंच की है. ये हीरो रोटर है जिसको मैंने मॉडिफाई की है, और इसका भी जो आउटपुट आया है वो काफ़ी अच्छा आया हुआ है, और बुरहानुद्दीन इज़ वेरी हैप्पी विद दिस साइकिल. तो आइए आपको पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि कैसे मैंने ये साइकिल को पेंट की और ये लुक लाने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े. और गाइज, अगर ये चैनल आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो. ये साइकिल है यहाँ पे, बेसिकली ये साइकिल बहुत ही रस्टेड कंडीशन में है, और इसको अगर आप देखोगे तो द कंडीशन इज़ नॉट सो गुड. पूरा रस्ट हो चुका है, आगे का व्हील भी जाम है बिकॉज ऑफ दिस डिस्क ब्रेक. चेन की भी हालत ख़राब है, या पीछे का टायर भी थोड़ा जाम है. तो ये साइकिल को हम लोग मॉडिफाई करेंगे और ये पूरा प्रोसेस जो है एक बार फिर आपको दिखाएंगे. अगर लास्ट साइकिल की मॉडिफिकेशन वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी अगर आप चाहे तो देख लो. और ये वीडियो को एंड तक देखना, और देखना हम ये साइकिल को कैसे मॉडिफाई करेंगे. सो गाइस, हियर यू कैन सी ये साइकिल पूरी तरह से डिसमेंटल हो चुकी है. इसका एक एक पार्ट हमने डिसमेंटल कर दिया है, अब इस पे आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. इस साइकिल को हम लोग ने डिसमेंटल कर दिया है, जो मैंने आपको बताया. अभी साइकिल का जो ये पेंट आपको दिख रहा है, साइकिल का ये जो पेंट दिख रहा है आपको, ये पेंट को हम लोग, ये जो ब्रश है बेसिकली, ये ब्रश ड्रिल मशीन से कनेक्ट होता है और ये ब्रश पेंट निकालने का काम आएगा. देखिए, तो आप देख रहे हो ये पेंट जो है वो निकाल लेगा सारा. सो वंस द पेंट इज़ रिप्ड, ये साइकिल कुछ ऐसी दिखेगी. और ये पूरा पेंट जो है हमें इसको रिप करना पड़ेगा. बेसिकली ये बड़े पार्ट्स में ये काम आएगा, और छोटे पार्ट्स के लिए हमारे पास ये जो ब्रश है वो काम आएगा, और इंटरनल पार्ट्स वगैरह. तो गाइस, इसको पूरा रिप करना स्टार्ट करते हैं. सी द सैंडिंग एंड द ओल्ड कलर, जो चूना कलर था इसका वो रिमूव हो चुका है. अब इट्स टाइम कि हम इसको प्राइमर मारे. दिस इज द प्राइमर, ग्रे प्राइमर, एंड वी विल डू प्राइमर ऑन दिस नाउ. सो गाइज, ये ग्रे प्राइमर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इट टेक्स ओनली 10 to 15 minutes टू ड्राई. You can see the grey primer is done and it's completely a matte finish. Matte finish ho chuka hai. Ye grey primer ka finish hota hai. Abhi is pe koi bhi color aap karoge to easily adaptable hoga. Abhi is pe hum log last time ki tarah matte black karenge. Flat black ye diya hua hai Bosni ka. Okay, it takes approximately 15 to 20 minutes to dry. To aapko zyada tension lene ki zarurat nahi hai isme.
guys, so you can see we have done with this matte black finish हमने इस पे कर दिया है और ये काफी awesome दिख रहा है अभी देखो spokes front और ये इसका frame लग रहा है last time जैसा finish था वैसे ही almost finish आया हुआ है अभी इस पे हम लोग पैटर्न करेंगे आपने देखा कि मैंने मैट ब्लैक कलर जो है वो कर दिया है अभी टाइम है इस साइकिल पे डिज़ाइन करने का पैटर्न करने का तो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने साइकिल पे पैटर्न की थी वैसे ही पैटर्न हम इस बार भी करेंगे बट थोड़े डिफरेंट कलर्स के साथ और इसे काइंड ऑफ चाइल्डिश लुक देने की कोशिश करेंगे जो बच्चों को भी पसंद आए कलरफुल सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द पैटर्न कलर्स वी हैव वाइट वी हैव रेड ये रेड और वाइट हम लोग मिक्स करके ट्राई करेंगे बेबी पिंक बनाने के लिए वी हैव ब्लू वी हैव ऑरेंज एंड वी हैव नियॉन व्हाट इज दिस कलर एक्चुअली कॉल्ड लेमन येलो ओके सो वी हैव दिस कलर्स लेट्स स्टार्ट विथ लेमन येलो यू कैन सी दिस इज द कलर वी गॉट स्प्लिट थोड़ा सा आपको कलर लेना है बेसिकली इसमें And then you just sprinkle. Here we go. So you can see the pattern coming. Yeah. See the pattern coming. इसी तरह सारे कलर्स के हम लोग पैटर्न करेंगे सो बाकी कलर्स के साथ भी हम ऐसे ही पैटर्न करेंगे और आपको हम लोग जल्दी रिजल्ट बताएंगे सो दिस इज़ द पैटर्न विच इज़ क्रिएटेड मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी उससे ये पैटर्न क्रिएट हुई है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आई कैन सी हाउ कलरफुल इट इज नाउ लेट्स सी ये साइकिल असेंबल होने के बाद जो है वो कैसी लगती है सी दिस स्पोक ओवरऑल दिस इज द डिज़ाइन सो गाइज आई होप यू लाइक इट अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सो वेट फॉर असेंबलिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मीनवाइल एंड प्रेस द बेल आइकन सो गाइस रिंग को हमने डिसाइड किया था कि हम ओनली मैट ब्लैक कलर देंगे बट मैट ब्लैक करने के बाद वो काफी डल लग रहा था एंड इट वाज आई वाज नॉट हैप्पी विद द फिनिश तो मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर हम लोग फ्लोरोसेंट येलो कलर करेंगे और इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएंगे सो गाइज अभी आती है हैंडल की बारी हैंडल को हम लोग ने सिंपल सा मैट ब्लैक फिनिश किया हुआ है और उसके ऊपर हम लोग बी वाई के द किड लिखेंगे तो गाइज ये चैनल का नाम है हमारे बी वाई के द किड अभी दोस्तों हमारी साइकिल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है इस पे लास्ट स्टेप है क्लियर कोट मारना पड़ेगा हमें इस पे सो गाइस साइकिल असेंबल हो चुके 3 दिन की मेहनत लगी है फर्स्ट डे इसको सैंडिंग करने में सेकंड डे पेंट थर्ड डे हमने इस पर पैटर्न किया हुआ है और पैटर्न करने के बाद ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अबाव उसको ड्राइंग को लगे हुए हैं तो अभी ये साइकिल असेंबल हो चुकी है और आपको मैं ये एक लुक देने वाला हूँ ये साइकिल कैसी लग रही है लेट्स सी दैट सो थैंक्स गाइज ये वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ये साइकिल की मॉडिफिकेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि बी वाई के द किट की सारी वीडियोस आप तक पहले पहुंचे बाय गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो
हैप्पी।